तो ये रही वायावा गेम स्टिक, मैं इसको खोल कर दिखा लेता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात बता दूं कि इसके अंदर 1 GB रैम आती है और ये हार्डवेयर सिमिलर है हमारी गेम बॉक्स G5 और G10 को लेकर, पर फर्क ये है कि ये एंड्रॉयड डिवाइस नहीं होता, तो ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और आप इससे गेम प्ले कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है गेम प्ले के लिए हमारे पास से खरीदते हैं, उनके पास में पहले से स्मार्ट टीवी होता है, और जिनके पास स्मार्ट टीवी नहीं होता, अगर वो अपने नॉर्मल टीवी को भी स्मार्ट टीवी बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास से G5, G10, G11 और G11 Pro भी खरीद सकते हो, क्योंकि उसमें डुअल बूट सिस्टम आता है और वो सिस्टम जो है आप लोगों के नॉर्मल टीवी को भी स्मार्ट टीवी बना देता है। और ये सभी टीवी पे वर्क करता है, आपका नॉर्मल टीवी हो, ठीक है, HDMI होना चाहिए, बस HDMI का पोर्ट हो और ये चलाएगा, क्योंकि HDMI का पोर्ट है, देखिए ये HDMI का पोर्ट होना मस्ट है। टीवी कोई भी ब्रांड को, साइज कोई मतलब नहीं रखता। सो दोस्तों इसको खोल लेते हैं इसकी सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोने पे मैंने कट मारा हुआ है इसको खोलने के लिए, ताकि आसानी से खोल सका जाए, और इसको इस तरीके से खोल लेते हैं। यह नॉर्मल सा पैनल है, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे थर्मल टाइप का एक एडहेसिव लगा हुआ है और ये एक मेटल की प्लेट है, ठीक है। ये इसलिए लगी हुई है ताकि इसको ठंडा रखा जा सके। जो इसका प्रोसेसर है एक्चुअली वो हीट करेगा और उसको ठंडा रखा जा सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरीके का प्रोसेसर है। तो यहाँ पे S905L जो कि बाटोसेरा और एमलेक को सपोर्ट करता है, तो एमोलॉजिक का यहाँ पे चिपसेट मिल रहा है आपको। तो ये जो चिप है यहाँ पे एमोलॉजिक की है, और यहाँ पे दूसरा भी प्रोसेसर है, बट मेरे हिसाब से ये HDMI और पावर रिलेटेड IC है, और इसके अलावा ये सिर्फ हमारा मेन प्रोसेसर है जिसके अंदर हमें जो है ना गेमिंग का सारा सब कुछ देखने को मिलता है। तो वो जो भी डिपेंड है वो इसी पे है जो हार्डवेयर है। तो ये चिपसेट है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे USB पोर्ट को इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे जो वाईफाई है उसके लिए एंटीना टाइप सा दिया हुआ है ताकि इसके सिग्नल क्रिएट हो सके वाईफाई के। और यहाँ पे SD कार्ड का पोर्ट है नॉर्मल सा जैसे मोबाइल्स में आता था, और यहाँ पे USB माइक्रो का पोर्ट है, और एक ये स्पेशल पोर्ट है कुछ, क्योंकि ये बाहर से बंद था इसका बॉक्स, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक सील लगी हुई थी, और ये पता नहीं किस काम का है, लेकिन मे बी ये ऑडियो ऑक्स के लिए या फिर ये आपके AV आउट के लिए काम में आ सकता है, ठीक है। और HDMI का पोर्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है। सो इस तरीके से ये आपको हार्डवेयर मिल रहा है, और ये चीज़ है इस वायावा गेमिंग स्टिक के अंदर। तो मतलब मेरे हिसाब से ये अगर देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ही एडवांस चीज़ बनाई है, क्योंकि प्लेस्टेशन के, प्लेस्टेशन पोर्टेबल के और बहुत सारे एमुलेटर उसके भी आर्केड के भी सारे के सारे इसमें सपोर्ट करता है। तो 1 GB रैम के साथ में ये आता है और आपके किसी भी पुराने से पुराने, नए से नए टीवी पे चल जाता है। बस HDMI का पोर्ट वहाँ होना चाहिए। जिन टीवी में HDMI का पोर्ट्स नहीं है, पोर्ट नहीं होते, तो HDMI टू AV कन्वर्टर ले लेना, ठीक है, उससे भी चल जाता है। तो इतने प्राइस में आपको काफ़ी कुछ दे दिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि दो रिमोट दे रहे हैं गेम पैड और एनालॉग हैं, वायरलेस हैं, उसके साथ में आपको डोंगल दे रहे हैं, वायरलेस रिसीवर दे रहे हैं, और एक HDMI का छोटा सा कनेक्टर भी दे रहे हैं, SD कार्ड भी दे रहे हैं, और आपको गेम्स भी दे रहे हैं। तो ठीक है, बहुत इनफ है मेरे हिसाब से, और प्राइस अच्छा है। सो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से विजिट करके ले सकते हैं। तो एक बार आपको फिर से हार्डवेयर मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो ये आप इस तरीके का हार्डवेयर इसमें आपको मिल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं।